नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। तो आइए, खास कार्यक्रम सुनो सरकार में हम आपको फर्रुखाबाद कमालगंज के ग्राम पट्टी कतरौली, जहां अभी तक सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से ग्रामीण वंचित हैं। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधियों व सरकार कर्मचारियों की लापरवाही के चलते सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई योगी योजना, जिसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक जन कल्याणकारी योजना का लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की शुरुआत 2022 में की, जिसके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। सूबे की सरकार ये चाहती है कि विभिन्न वर्गों के लोग सशक्त व आत्मनिर्भर बने, परंतु योगी मोदी सरकार भले ही देश व प्रदेश में सबका साथ सबका विकास बस सबका विश्वास नारा देते हुए विकास के झंडे गाड़ दें, लेकिन जनप्रतिनिधि व सरकारी कर्मचारी के ढिलमुल रवैये व लापरवाही और खाऊ कमाऊ नीति के चलते जनपद में ऐसे तमाम ग्राम हैं जो विकास व सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वंचित हैं। ऐसी कई ग्राम सभाएं हैं जहां विकास नाम की चिड़िया आज तक ग्राम सभा में नहीं पहुंची है। जी हां, हमारे सहयोगी महराज अहमद ने कमालगंज के ग्राम पट्टी कतरौली का दौरा किया, जहां समस्याओं का भंडार देखा। गांव के ही 75 वर्षीय वृद्ध राजकुमार कुशवा और 70 वर्षीय महिला वृद्धा रेशमा देवी एवं इनके अतिरिक्त कई ऐसे परिवार ऐसे मिले जो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से वंचित हैं। जबकि इस ग्राम सभा में कई ऐसे परिवार हैं कि जिन्हें सरकारी योजनाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो इस डबल इंजन सरकार में बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, जो जनप्रतिनिधियों से मदद मांग मांग कर थक चुके हैं, जिन्हें जनप्रतिनिधियों व सरकारी कर्मचारियों ने अनदेखा कर दिया है, जो हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सुनो सरकार। अम्मा, क्या नाम है आपका? रेशम देवी। रेशम देवी, कितने लड़के हैं आपके? दो हैं। अच्छा, तो जो लड़के खत्म हो गए हैं उन्हें कोई सरकारी आवास वगैरह नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला। कई साल हो गए खत्म हुए लड़के का आपके? पाँच साल हो गई, लेकिन कोई मतलब आवास वगैरह रहने के लिए कुछ नहीं? ऐसे कच्चे मकान में रहते हैं? कच्चे मकान में रहते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रूप रानी। कौन से गाँव निवासी? पट्टी कतरौली की। आपके पति हैं? नहीं है। कहाँ है? खत्म हो गए। कितने वर्ष हुए? आज 5 साल हैं। 5 साल हो गई? हाँ, पूरी 5 साल हैं। तो आपको कोई सरकारी लाभ मिला? आपकी पेंशन वगैरह, विधवा या आवास वगैरह कुछ मिला आपको? सरकारी आवास मिला आपको? नहीं मिला। और कुछ नहीं मिला? तो आपने कहीं प्रधान से या सेक्रेटरी से किसी से कहा, कहीं वीडियो वगैरह से? जैसे होल्डर से कही थी। प्रधान से? हाँ। फिर क्या कहा उन्होंने? कोई जवाब नहीं आया। अभी कुछ जवाब नहीं आया? कुछ नहीं आया। फिर जी आप किसी कच्चे मकान में रह रही हैं? और दादा, क्या नाम है आपका? राजकुमार। कौन गाँव निवासी हो? कतरौली पट्टी। अच्छा अच्छा, जी बताओ, जी आप कच्चे मकान में रह रहे हैं आप, तो क्या सरकारी आवास नहीं मिला? नहीं मिलो। कहीं प्रयास किया, कोशिश की आपने? प्रधान से कही थी जी। क्या कहा उन्होंने? बनवा देंगे भाई तुम्हारी। उन्होंने कहा बनवा देंगे? तो जो कई साल से ऐसा चल रहा है? जब से प्रधान भाई तब से। तब से मतलब इन्हें प्रधान बने 2 साल होंगे, पिछले प्रधान जो थे उनसे कहा था आपने? पिछले जो प्रधान थे उनसे भी कहा था? अच्छा, और कोई अधिकारी से वीडियो वगैरह कोई आया हो, नेता वगैरह? हम उनसे मिल नहीं पाए। अच्छा, किसी से नहीं? हाँ। अच्छा, वीडियो आओ तो कौन आया, आओ तो चले जाते।